आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। कि आप देख रहे हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह अतीत में दबे पांव ओम पांडवी संस्मरणात्मक लेख है। ये पाठ 3, इसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले हम ओम थानवी जी का जो जीवन परिचय है थोड़ा सा उसके विषय में समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ओम थानवी का जन्म 1957 में राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी नामक कस्बे में हुआ। इनकी शिक्षा बीकानेर में हुई। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यवसायिक प्रशासन में एम काम किया। आप एडियट्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। 1980 से 1989 तक आपने राजस्थान पत्रिका में काम किया। इतवारी पत्रिका के संपादक ने साप्ताहिक पत्र को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। अभिनेता और निर्देशक के रूप में आप स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। मोहनजोदड़ो एक सनसनात्मक रचना है। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर विमर्श पर किताब है। अपने अपने अज्ञे संस्मरण अज्ञे जन्म शती पर 2 खंडों में स्मृति ग्रंथ है। समय समय पर आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। इसमें प्रमुख है बिहारी पुरस्कार, के बिड़ला फाउंडेशन शमशेर सम्मान, हिंदी अकादमी सम्मान, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार आदि। 1999 के से संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का दायित्व संभाला। आपने इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में भी संपादक के रूप में कार्य किया। चलिए आप पाठ का सारांश थोड़ा सा समझते हैं कि अतीत के दबे पांव जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पाठ है पूरा उसका सार क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है। तो ओम थानवी द्वारा लिखित अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो विश्व की सबसे प्राचीन नगर सभ्यता मोहनजोदड़ो की सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और हड़प्पा पंजाब प्रांत में खुदाई के दौरान मिले। दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने सुनियोजित नगर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्र काल का सबसे प्राचीन और बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दा का टीला। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था जिसकी आबादी लगभग 25,000 थी। यह वर्तमान महानगर से भी बड़ा था। मानव द्वारा कच्ची पक्की ईंटों से बने टीले पर आबाद था। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है जो नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। यहाँ शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है जो नगर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है, और स्तूप वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। गढ़ के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है। इसमें प्रशासनिक क्या है, इमारतें। प्रशासनिक क्या है, इमारतें। सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। यहाँ की सड़कें ग्रिड प्लान के अंतर्गत सीधी या आड़ी हैं। आज ब्रासिलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। सीली के पास महाकुंड है जिसे देवमार्ग नाम से पुकारा जाता है। यह कुंड सामूहिक स्नान के काम में आता था।
यह 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 60 फुट गहरा है। इसके उत्तर व दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं और सिंधु घाटी काल में व्यापार, खेती व पशुपालन होता था। औजारों में पत्थर व तांबे का प्रयोग होता था और परंतु लोहा नहीं था, इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने, ज्वार, बाजरा, खरबूजे, बेर, खजूर की उपज के सबूत मिले हैं। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूने से एक है। यहाँ रंगाई भी होती थी। ऊन व लिनन का निर्यात सुमेर से होता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। महाकुंड के उत्तर पूर्व में खुला बड़ा दालान है, उसे कॉलेज ऑफ प्रिस्टस माना जाता है। दक्षिण में 20 वाला दालान है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है, जहाँ चौड़ी सड़कें, बड़े घर, ज्यादा कुएं हैं। शहर की मुख्य सड़क बहुत लंबी 35 फीट चौड़ी है। दो बैलगाड़ियों एक साथ जा सकती हैं, जो दो बैलगाड़ियां हैं वो एक साथ जा सकती हैं। सड़क के दोनों ओर घर हैं, पर घरों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं है। चंडीगढ़ को कार्बूजिए उसी शैली पर बसाया। सड़क के दोनों ओर ढकी नालियां हैं। हर घर में स्नान घर है। जल निकासी की व्यवस्था बेमिसाल है। कुएं पक्की ईंटों से बने हैं। यहाँ कितने कुएं हैं? 700। यहाँ 700 कुएं हैं। इस कारण इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। घरों की मोटी दीवारें 2 मंजिला इमारतों का संकेत देती हैं। सभी घर 1, 2, 3, 4 की ईंटों से बने हैं। घरों में प्रवेश द्वार हैं, पर खिड़कियां नहीं हैं। आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। सभी घर कतार में 30x30 फीट में हैं। खुदाई में दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति तथा कंकाल मिले हैं। रंगरेज का कारखाना मिला है। खिड़कियों व दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। हाथी, शेर, गैंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है वहां जंगल होंगे। लेखक को मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आई। चलिए यहाँ का अजायब घर छोटा है तथा सामान भी ज्यादा नहीं है। यहाँ मोहनजोदड़ो की 50,000 से ज्यादा चीजें मिलती हैं। अजायब घर में अनेक वस्तुओं के साथ औजार थे, परंतु हथियार नहीं थे। शायद
यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। मोहनजोदड़ो सभ्यता साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध है, परंतु इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही हुए हैं। यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बहुत से रहस्य छिपे हैं। सिंधु घाटी के लोग कलाप्रिय थे। कैसे थे सिंधु घाटी के लोग? कलाप्रिय थे। उनकी यह कलाप्रियता वास्तुकला, धातु व पत्थर की मूर्तियों, मृदवाण पशु पक्षियों के चित्र, मोहर आभूषण आदि में दिखाई देती है। इस सभ्यता की विशेषता सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। तांबे कांसे सोने की सुइयां मिली हैं। नरेश का दुपट्टा कशीदाकारी का नमूना है। छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। हाथी दांत व तांबे के सुए भी मिले हैं। संप्रति सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल के कारण खुदाई बंद है। आज इन खंडरों को बचा रखना ही सबसे बड़ी क्या है चुनौती है। अब ये कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अतीत में दबे पांव, प्राचीन काल के अवशेष, मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला, परवर्ती बाद के काल का, परिपक्व दौर, समृद्ध काल, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, तादात, संख्या, साक्ष्य, प्रमाण, भेंट चढ़ गए यानी नष्ट हो गए, पसरना, फैलना, खूबी यानी विशेषता आदि माने अत्यंत प्राचीन, महसूस, अनुभव, पायदान, सीढ़ी, टीले यानी छोटे छोटे शिखर, इल्हाम, अनुभूति, व्यापक यानी विस्तृत, समकक्ष, समान, सर्पिल यानी सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा, पगडंडी पैदल चलने का मार्ग, लैंडस्केप यानी भूदृश्य, आलम यानी संसार, मिजाज स्वभाव, जुदा अलग, निहारना देखना, जेहन मस्तिष्क, ज्ञानशाला विद्यालय, कोठार भंडार, महाकुंड यज्ञ कुंड, अद्वितीय अनोखा, भापना अंदाज लगाना, कमोवेश थोड़ी बहुत, अराजकता अशांति अव्यवस्था, प्रतिमान मानक, विहार यानी बौद्धाश्रम, सायास प्रयत्न सहित, धरोहर यानी उत्तराधिकार में प्राप्त। तो यहाँ पर अतीत में दबे पांव पाठ वितान भाग दो हिंदी विषय के अंतर्गत को पढ़ाया, उस पाठ के सारांश को समझाया। आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे। आगे की क्लास में मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगी, तब तक आप इसको समझ के लिखिए।